लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती हैं, संख्या बल और हथियारों से नहीं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अजय देवगन की फिल्म भोला के 5 दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। आपको बताएंगे भोला फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग में कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ा और क्या भोला फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में। आपको बता दें इस फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ तबू और अभिषेक बच्चन भी लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और हिंदी बॉक्स ऑफिस की काफी बड़ी फिल्म होने की वजह से फिल्म को लेकर एडवांस बुकिंग काफी तगड़ी हुई। जी आपको बता दें फिल्म की एडवांस बुकिंग को ओपन हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक अजय देवगन की फिल्म भोला अपने 5 दिनों में एडवांस बुकिंग में लगभग 60,000 से ज्यादा के टिकट्स सेल कर चुकी है, जिस वजह से फिल्म का अभी तक का एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रहा। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा, अजय देवगन की फिल्म भोला अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर हिंदी बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में शामिल हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अजय देवगन की फिल्म भोला अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगी, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़? इसी के साथ भोला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, सुपरहिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या हो जाएगी फ्लॉप? आपका प्रेडिक्शन हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे वीडियो सुनाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको अजय देवगन की फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेली अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।